बिग बॉस 17 की विनर मुनव्वर फारूकी बीते दिनों अस्पताल में भर्ती थे। अब मुनव्वर को लेकर खबर आ रही है कि उन्होंने दूसरी बार शादी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 10-12 दिन पहले ही शादी कर ली थी, जिसमें उनके करीबी लोग ही शामिल हुए थे। मुनव्वर की करीबी दोस्त हिना खान ने भी स्टोरी शेयर करते हुए उनकी शादी का हिंट दिया। मुनव्वर की फैंस इस बात से परेशान हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कब की, क्योंकि बीते कुछ दिनों से वे अस्पताल में भर्ती थे। सूत्रों के मुताबिक मुनव्वर ने 10-12 दिन पहले शादी की थी। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यह लव मैरिज है या अरेंज। उनकी शादी की चर्चा बहुत पहले से चल रही थी। अब उनकी शादी को लेकर उनकी फैमिली से जुड़े एक सूत्र ने यह बात कंफर्म किया है। हालांकि इस बारे में मुनव्वर की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। मुनव्वर फारूकी और उनकी फैमिली इस शादी को बेहद सीक्रेट रखना चाहते थे। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि शादी में दोनों के करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल हुए थे। ये शादी मुंबई ITC मराठा में हुई। रिपोर्ट की माने तो मुनव्वर ने सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट महजबीन कोटवाला नाम की लड़की से शादी की है। महजबीन मेमन कम्युनिटी से आती हैं। वो साउथ मुंबई के अग्रीपाड़ा एरिया में रहती हैं। महजबीन न केवल तलाकशुदा हैं, बल्कि उनकी 10 साल की बेटी है। महजबीन को कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के साथ कई बार देखा गया है। हाल ही में वो धनश्री वर्मा और उनके पति युजवेंद्र चहल के साथ झलक दिखलाजा के स्टेज पर नजर आई थी। मुनव्वर और महजबीन की शादी की तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मुनव्वर की शादी में TV एक्ट्रेस हिना खान शामिल हुई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर किया, जिसमें मेरे यार की शादी है गाना लगाया था। पहली वाइफ के संपर्क में नहीं है मुनव्वर। मुनव्वर की यह दूसरी शादी है। वह पहले से शादीशुदा थे। अब उनकी एक्स वाइफ से उनका एक बेटा भी है। बिग बॉस 17 के घर में अपने समय के दौरान स्टैंड अप कॉमेडियन अपने बेटे के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए और उन्होंने खुलासा किया कि मेरी एक्स वाइफ अब शादीशुदा है और मेरे बेटे की कस्टडी मेरे पास है। 2022 में उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि वो अपनी एक्स वाइफ के संपर्क में नहीं है।